टेक्सचुअल एक्सरसाइज 8.1 एग्जांपल नंबर 8.1 एज शोन फिगर द कैपेसिटर इज मेड ऑफ द टू सर्कुलर प्लेट्स। ओके, मैं यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये टू सर्कुलर प्लेट आपको दे रखी है कैपेसिटर की। ओके, दोनों क्या होती है, कंडक्टर होती है। ऐसा जरूरी है ना नहीं है कि आप स्क्वायर प्लेट ही कंसिडर कर सकते हो। आप एक सर्कुलर प्लेट पर आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो उसके आपको रेडियस दे रखी है आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बट इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो 12 × 10⁻²⁻² मीटर होगा। एंड सेपरेट बाय दी 5 सेंटीमीटर, तो इन दोनों की बीच का डिस्टेंस भी आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। सो दैट डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सो दैट 5 × 10⁻²⁻² मीटर, ठीक है। ओके, द कैपेसिटर इज अ बीम चार्ज बाय द एक्सटर्नल सोर्स इज अ नॉट शोइंग फिगर। द चार्जिंग करंट इज द कॉन्स्टेंट एंड इक्वल्स टू 0.15 एम्पियर। और चार्जिंग करंट भी आपको दे रखिए आई इज इक्वल टू 0.15 एम्पियर। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करनी है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। इसका आपको कैपेसिटेंस सी की भी वैल्यू निकालनी है और पोटेंशियल डिफरेंस की भी वैल्यू निकालनी है। पोटेंशियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीन्स के चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालनी है। मीन्स के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में वो कितना चेंज हो रहा है वो भी आपको निकालना है। तीन, आफ्टर ऑप्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस दी प्लेट्स डिस्प्लेसमेंट करंट भी आपको निकालनी है। देन आफ्टर सी इज अ किरचॉफ फर्स्ट रूल इज अ जंक्शन रूल इज अ वैलिड इट इज प्लेट ऑफ कैपेसिटर, वो भी आपको एक्सप्लेन करके देना है, ठीक है। ओके, तो हम वन बाय वन हम पहले फाइंड आउट कर लेते कैपेसिटर की सी की वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने दोनों प्लेट में इसके पैरेलल कंसीडर की हुई है, तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लगेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्वेशन लगेगा। तो सी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो यहाँ पे हम एरिया किसका आपको कंसीडर करना है, ए प्लेट का। तो एरिया ए इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर। तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस, ए डिस्टेंस भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो आप इजीली उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, मैं सभी की मैं वैल्यू में रख देता हूँ कि भाई पाई की वैल्यू होती है 3.14। यहाँ पे रेडियस आपको दे रखी है 12 × 10⁻²। उसका आपको स्क्वायर करनी है। तेरा पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सभी जानते हो 8.85 × 10⁻½। देन आप डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 5 × 10⁻²² करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपके कैपेसिटर की वैल्यू मिल जाएगी 8 × 10⁻½ फेराड है। तो 10⁻½ का ऑर्डर को हम मिस कंसिडर कर सकते हैं पीको फेराड में, ठीक है। तो ए इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई 8 पीको फेराड, एक कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है। देन आप हमको क्या निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस का चेंजेस। ओके, हमको एक इक्वेशन मालूम है कि भाई चार्ज ऑफ कैपेसिटर होती है Q इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ से चार्ज की क्वांटिटी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो आपको इलेक्ट्रिक करंट में इसमें मिलती है तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, बट कैपेसिटर तो इज कॉन्स्टेंट डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T को हम क्या मान लें, करंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, I इज इक्वल टू सी डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। तो आपको निकालना है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, तो उसको आप सब्जेक्टिव बना दीजिए, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू I अपॉन C हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आई की वैल्यू आपको दे रखी है 0.15 एम्पियर और सी की वैल्यू आपने निकाली है 8 × 10⁻²। तो उसके आप क्वांटिटी डिफाइन करिए, तो वो क्वांटिटी आपकी मिलेगी 8.1.87 × 10⁻¹० वोल्ट पर सेकेंड। जिसके उसको हम क्या बोल सकते हैं, चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, दूसरा हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पे जो आपको करंट दे रखा है आई इज इक्वल टू 0.15 एम्पियर, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोल सकते हैं, क्योंकि टोटल करंट दे रखा है। तो टोटल करंट की इक्वेशन क्या आती है, मीन्स कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। बट जब डिस्प्लेसमेंट करंट होती है तब कंडक्शन करंट होती है जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी, सो दैट 0.15 एम्पियर। देन आप लास्ट इज किरचॉफ फर्स्ट रूल्स जंक्शन रूल्स इज अ वैलिड एट इज प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो आंसर इज यस, किरचॉफ फर्स्ट रूल्स इज अ वैलिड एट इज प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज अ प्रोवाइड दैट वी टेक द सम ऑफ द कंडक्टिंग करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो, जंक्शन रूल्स मीन्स के टोटल करंट आई इज इक्वल टू आप इक्वेशन लिख सकते हो कंडक्टिंग करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो यहाँ पे किरचॉफ का फर्स्ट रूल्स जंक्शन जो रूल्स है वो जंक्शन रूल्स को आप बोल सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रूल्स भी आप बोल सकते हो, इट इज द वैलिड, ठीक है। ओके,
Textual example number 8.2. A parallel plate capacitor has shown figure is made by the circular plate of radius. Okay, तो मैं यहाँ पे मैं फिगर भी ड्रॉ कर देता हूँ. इसमें भी दो प्लेट ही आपने कंसिडर की हुई है सर्कुलर की. ओके, और उसको आपने एक एसी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्टेड की हुई है. दिस इज एसी अल्टरनेटिंग सोर्स. इस रेडियस आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो 6 × 10⁻²⁪ मीटर आप लिख सकते हो. एज द कैपेसिटेंस सी की वैल्यू भी आपको दे रखी है यहाँ पे. सी इज इक्वल टू 100 pF का मीनिंग होता है 100 × 10⁻½ फेराड. The capacitor is connected to a 230 volt AC supply, a regular frequency of 300 rads/s. तो ये आपको मिस के दे रखी है. एक टोटल पोटेंशियल आपको दे रखा है, वो होती है RMS की वैल्यू 230 volt एंड रेडियन पर सेकेंड. तो ये है हमारी फॉर्मूला ओमेगा की. ओमेगा आपको दे रखा है 300 rads/s एंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो व्हाट इज द टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ अ कंडक्शन करंट. आपको कंडक्शन करंट निकालनी है. देन पर बी द इफ द कंडक्शन करंट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट, वो आपको प्रूव करनी है. देन पर सी द डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट द पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट. ओके, तो हम वन बाय वन हम फाइंड आउट करते हैं. पहले हम निकालते हैं करंट. ठीक है, ओके. तो करंट की बेसिक फॉर्मूला जो हमारे ओम्स लॉ में होती थी वो होती थी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर. बट यहाँ पे कैपेसिटर अलाउ है, तो कैपेसिटर के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन अपोजिंग फैक्टर ऑफ ओनली कैपेसिटर सर्किट. कैसा हो गया ओनली कैपेसिटर सर्किट, याद कीजिए 7th chapter में. तो ओनली कैपेसिटर सर्किट में अपोजिशन फैक्टर होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस XE. ठीक है, ओके. तो और XE इज इक्वल टू क्या होती है, 1/ωC. XE इज इक्वल टू 1/ωC. तो ये ओमेगा सी डिवाइड का डिवाइड मीन्स के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. तो उसका इक्वेशन मिलेगा आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू ओमेगा सी. ओके, और वी आर एम एस की वैल्यू है 230 वोल्ट, ओमेगा की वैल्यू है 300 और कैपेसिटर की वैल्यू है 100 × 10⁻². चलो या ओके, तो उसकी टोटल वैल्यू फाइंड आउट होगी 6.9 × 10⁻⁶ ए मीटर. ओके, तो 10⁻⁶ का मीनिंग होता है माइक्रो. सो दैट आई आर एम एस इज इक्वल टू 6.9 μA. ए आ गया करंट. ठीक है, ओके. देन आफ्टर नेक्स्ट के भाई इज द कंडक्शन करंट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट. यस, ये दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम. सो दैट आई सी कंडक्टिंग करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट. देन आप सी देखिए डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी. हमको बी डिफाइन करनी है 80.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट. ओके, तो दोनों की प्लेट की यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आप मान लीजिए इसके पास सपोज के 3 सेंटीमीटर है. तो वो वाली डिस्टेंस पे आपको क्या डिफाइन करनी है, वो वाली डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2πr² होगा. ठीक है, देखिए यहाँ पे मीन्स के जो स्टेट कंडक्टर होगा ना, स्टेट कंडक्टर, तो स्टेट कंडक्टर का क्या इक्वेशन आएगा, स्टेट कंडक्टर में से करंट जाती है आई और यहाँ तक का डिस्टेंस है आर. तो उसका हम इक्वेशन लिखते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2πr. बट यहाँ पे देखिए स्टेट कंडक्टर नहीं है, कि सर्कुलर रिंग यहाँ पे अवेलेबल है. तो सर्कुलर रिंग यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए उसका इक्वेशन देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको x दे रखा है. दिस डिस्टेंस इज x. तो x अपॉन हमको क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वेयर करना पड़ेगा. ठीक है, ओके. तो ऐसा आपको इक्वेशन मॉडिफाई करना पड़ेगा. ओके, तो म्यू नॉट की वैल्यू आप लिखिए 4π × 10⁻⁷ और करंट की वैल्यू, करंट आई की वैल्यू आपको लिखना है, लिखनी है. तो करंट आई की वैल्यू यहाँ पे आई आपको डिफाइन करना पड़ेगा. आई इज मैक्सिमम करंट है, यहाँ पे आई इज मैक्सिमम, बट यहाँ पे तो आई आर एम एस की वैल्यू है. तो आई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं. आई इज इक्वल टू √2 IRMS, क्योंकि ए इक्वेशन कहाँ से आई, आई आर एम एस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई एम अपॉन √2, जिसमें से आई एम को सब्जेक्टिव बना दीजिए. ठीक है, ओके. तो √2 × 6.9 μ इसका 10⁻⁶. तो उसका आंसर आपको मिलेगा 9.73 × 10⁻⁶ ए मीटर. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9.73 × 10⁻⁶. देन आप एक्स आपको कितना देखा, 3 सेंटीमीटर. सो द 3 × 10⁻²² और 2 × 3.14 और रेडियस आपको दे रखी है आर इज इक्वल टू 6 × 10⁻².
तो 6 × 10⁻²² का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट होगी 1.63 × 10⁻¹⁰ टेस्ला। ठीक है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ए आपकी फाइंड आउट हो गई मैग्नेटिक फील्ड। बी चला है, ए इक्वेशन में म्यू नॉट आई अपॉन 2πr ही होती है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सर्कुलर आपको प्लेट दे रखी है, इसमें से करंट जा रही है, इसके लिए आपको यहाँ पे r² लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको x लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, टेक्स्टुअल एग्जांपल नंबर 8.3। व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम फॉर एक्सरे ऑफ वेवलेंथ इज 10⁻¹⁰ मीटर, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ इज 6800 एंगस्ट्रॉम एंड रेडियो ऑफ वेवलेंथ इज 500 मीटर। आपको तीनों थिंग की मिस क्या दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, एक्सरे की वेवलेंथ आपको दे रखी है 10⁻¹⁰ मीटर, देन आफ्टर रेड लाइट, दिस इज अ विजिबल लाइट, तो उसकी आपको वेवलेंथ दे रखी है 6800 एंगस्ट्रॉम, देन आफ्टर एक रेडियो वेव, उसकी आपको वेवलेंथ दे रखी है 500 मीटर। तो इन तीनों तीन वेव में कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि भाई वो सेम हो सकती है। आप देख सकते हो यहाँ पे सभी की वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट है, बट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे अवेलेबल है कि वह तीनों तीन में सेम है, वो क्या है, लाइट ऑफ स्पीड। सी इज इक्वल टू तीनों तीन की क्वांटिटी में इसके सेम होती है, लाइट ऑफ स्पीड इसके उसकी स्पीड 3 × 10⁸, एक्सरे की भी स्पीड 3 × 10⁸, रेड लाइट की भी 3 × 10⁸, और रेडियो वेव की भी 3 × 10⁸। बिकॉज ये तीनों तीन वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक सेम फिजिकल करेक्टरिस्टिक होती है स्पीड 3 × 10⁸ होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। टेक्स्टुअल एग्जांपल नंबर 8.4। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रैवलिंग वैक्यूम अलोंग द जेड डायरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रैवलिंग जेड डायरेक्शन। ठीक है, ओके, वो ट्रैवलिंग करती है जेड डायरेक्शन, तो उसका यूनिट वेक्टर आएगा के कैप। व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 3 MHz, व्हाट इज द वेवलेंथ। ओके, आपको एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एफ इज इक्वल्स टू 3 MHz, उसका मीनिंग होता है 3 × 10⁶ हर्ट्ज। आपको वेवलेंथ भी निकालनी है, और दूसरा क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर निकालना है। ओके, देखिए कैसे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए वेव प्रोपोगेशन कर रही है के की डायरेक्शन में। मैं आपको ये फिगर में ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस एंड दिस इज अ जेड एक्सिस। तो आपको क्या दे रखा है कि भाई आपकी जो वेव है ना वो ट्रैवलिंग करती है एक जेड एक्सिस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग जेड एक्सिस। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं जेड लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वेव ट्रैवलिंग कर रही है, तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपसे एसी बनेगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगी, आई कैप की डायरेक्शन में आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इज आई कैप, एंड मैग्नेटिक फील्ड विल अलोंग जेड एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मिसके क्या होगा कि भाई ई क्रॉस बी कर दीजिए, ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी का आंसर आएगा आई क्रॉस के, जे कैप इज इक्वल टू के कैप। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो ए होगी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड होगी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तेरा पर आपको क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी से आपको एक लैम्ब्डा निकालनी है, वेव लेंथ। ओके, तो लाइट ऑफ स्पीड सी इज इक्वल टू आती है इक्वेशन लैम्ब्डा अपॉन टी, बट 1/T इज इक्वल टू आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो सी अपॉन एफ। ओके, तो सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 3 × 10⁶, 30 × 10⁶, तो यहाँ पे 2 आएगी, यहाँ पे 3 कैंसल, तो उसका आंसर आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10⁻² आएगी ना, 10⁻² × 10⁻², सो दैट 10 मीटर इज अ वेवलेंथ, इट इज योर आंसर।
टेक्सटुअल एजुटेशन नंबर 8.5 सॉरी टेक्सटुअल एग्जांपल नंबर 8.5 अ रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज ओके तो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है व्हाट इज द कॉरस्पोंडिंग वेवलेंथ बैंड तो वेवलेंथ बैंड आपको निकालनी है ठीक है तो मैं फ्रीक्वेंसी फर्स्ट की मैं लिख देता हूँ 7.5 मेगाहर्ट्ज तो उसका मीनिंग होता है 7.5 इंटू 10^6 हर्ट्ज एंड दूसरी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 12 मेगाहर्ट्ज तो 12 मेगाहर्ट्ज उसका मीनिंग होता है 12 इंटू 10^6 हर्ट्ज ठीक है आपको क्या निकालनी है वेवलेंथ की बैंड आपको निकालनी है तो लाइट ऑफ स्पीड सी इज इक्वल टू इक्वेशन होती है लैम्ब्डा अपॉन टी सो दैट लैम्ब्डा इंटू एफ भी आप लिख सकते हो और लैम्ब्डा आपको डिफाइन करना है तो सी अपॉन एफ भी आप लिख सकते हो ठीक है तो हमको फर्स्ट की लैम्ब्डा निकालनी है लैम्ब्डा 1 तो सी अपॉन एफ 1 लिख दीजिए तो 3 × 10^8 अपॉन 7.5 इंटू 10^6 सो अगर फर्स्ट की लैम्ब्डा मिलेगी आपको 40 मीटर देन आप लैम्ब्डा 2 निकाल दीजिए तो सी अपॉन एफ 2 3 × 10^8 अपॉन 12 × 10^6 तो आंसर मिलने वाली है 25 मीटर तो देखिए यहाँ पे आपको वेवलेंथ बैंड इन फ्रॉम अब कहाँ से कहाँ तक आपकी मिली 25 टू 40 मीटर तक ठीक है वेवलेंथ बैंड इज 25 टू 40 मीटर ये आपको मिली वेवलेंथ बैंड